उत्सव की कर रहे हैं तैयारी, तो आइए हमारे पास से व्यवस्था की पूरी जिम्मेवारी। अंग क्षेत्र का एक आधुनिक ओपन मैरिज हॉल सोना मैरिज गार्डन। हमारे यहाँ शादी विवाह, जन्मदिन, रिंग सेरेमनी, बर्थडे पार्टी, किटी पार्टी, कॉरपोरेट पार्टी या किसी भी पार्टी के लिए जरूर पधारें। आधुनिक मैरिज गार्डन के साथ लग्जरियस कमरे, बैंक्वेट हॉल, डीजे फ्लोर, मूविंग लाइट के साथ झांकी भी है उपलब्ध। होटल फूड प्लाजा के सोना मैरिज गार्डन, नवगछिया 0 माइल, नवगछिया, भागलपुर। संपर्क सूत्र 9661904817, 9934433194। नीतीश को पीएम कैंडिडेट बनाना बिहार के लिए खुशी की बात, पप्पू यादव। भागलपुर नवगछिया में जन अधिकार पार्टी के सुप्रीमो पप्पू यादव ने कहा कि राजेंद्र बाबू प्रथम राष्ट्रपति के बाद अगर कोई स्वच्छ चेहरा है तो वो नीतीश कुमार हैं। इस पर कांग्रेस के साथ सभी विपक्षी दलों को एक होना चाहिए। अगर देश में विपक्षी दलों ने इस पर निर्णय लिया तो यह बिहार के लिए सम्मान की बात होगी। श्री यादव ने कहा कि भारत में लोकतांत्रिक मूल्यों का क्या ह्रास हुआ है। विपक्ष की भूमिका निष्पक्ष, निडर और निर्भीक है। हर एक मुद्दे पर उनकी पार्टी ने जनता की आवाज़ को उठाया है। श्री यादव ने कहा कि आज उनकी पार्टी का 7वां स्थापना दिवस है। यह पार्टी एक मजबूत विचारों की जमात है। देश जब भी जला, जब जब समाज में नफरत पैदा करने वालों ने कोशिश की तो वहाँ यह पार्टी खड़ी दिखी। वे लोग वन नेशन, वन हेल्थ, वन जस्टिस, वन एजुकेशन, वन पीस की बात करते हैं। उन्होंने पार्टी के स्थापना दिवस पर कार्यकर्ताओं और आम जनता को बधाई दी। श्री यादव ने कहा कि हर साल कटाव के नाम पर करोड़ रुपये खर्च किए जाते हैं, नदियाँ दुधारू गाय हो गया है, पदाधिकारी नेता लूट रहे हैं लेकिन जाँच नहीं हो रही है। उन्होंने कहा कि फरक्का में जमा गाद एक दिन पटना को डुबा देगा। वे केंद्र सरकार से लगातार फरक्का के चौड़ीकरण की मांग कर रहे हैं। इस अवसर पर पप्पू यादव ने केक काटकर पार्टी के स्थापना दिवस भी मनाया। इस अवसर पर जिलाध्यक्ष नीरज यादव, युवा जिलाध्यक्ष चिंटू यादव, उपाध्यक्ष विकास कुशवाहा, जिला सचिव विनय कुमार, जिला महासचिव अजीत कुमार, गौरव आनंद चौबे, रंजीत राज समेत कार्यकर्ताओं की मौजूदगी देखी गई। लाइफ इंश्योरेंस एजेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया के तहत अपनी कई मांगों को लेकर कर्मियों ने किया काला बिल्ला लगाकर प्रदर्शन। भागलपुर में लाइफ इंश्योरेंस एजेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया के तहत आज काला बिल्ला लगाकर अपनी कई मांगों को लेकर कर्मियों ने प्रदर्शन किया। वहीं उन लोगों की मांग है कि अभिकर्ताओं के लिए 20 लाख तक ग्रेजुएटी बढ़ाने, 2013 और 16 की RDA राजपत्र अधिसूचना के अनुसार आयोग का पुनर्गठन स्तर पर करें, साथ ही सबों की भविष्य निधि के शुरुआत करें और पेंशन योजना चालू करें। साथ ही साथ टर्म इंश्योरेंस बढ़ाने की भी उन लोगों ने बात की। उन्होंने बीमाकर्ताओं के लिए भी कहा कि दीन और अन्य वित्तीय लेनदेन पर ब्याज दर कम किया जाए जिससे बीमा धारकों को काफ़ी सुविधाएं मिलेंगी। साथ ही साथ दस्तावेजों के लिए भी पावती प्रदान करें, 5 वर्ष से अधिक हो चुकी पॉलिसियों को उधार की सुविधा दी जाए, साथ ही साथ शीघ्र और कुशल सेवाएँ समय की मांग भी करते दिखे। हल्ला बोल प्रदर्शन में लाइफ इंश्योरेंस एजेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया के दर्जनों कर्मी मौजूद थे। इसी बाबत ऑल इंडिया LIC एजेंट का सभी संगठन मिलकर ज्वाइंट एक्शन कमेटी का गठन कर 1 सितंबर से 30 नवंबर तक चरणबद्ध आंदोलन शुरू कर दी है, जिसकी शुरुआत आज काला बिल्ला लगाकर अपने एवं अपनी मांग के समर्थन में भागलपुर शाखा सुमित मंडल कॉम्प्लेक्स के गेट पर उज्ज्वल किशोर, विनीत कुमार सिंह, शैलेश कुमार दास के साथ साथ दर्जनों कर्मी धरना प्रदर्शन और नारेबाजी करते दिखे। गोभी खेत में भैंस चराने को लेकर रोका तो दबंगों ने लाठी डंडे से मारकर 35 वर्षीय युवती को उतारा मौत के घाट। अपराधी इस कदर बेलगाम होते चले जा रहे हैं, शायद अपराधी को प्रशासन का तनिक भी खौफ नहीं। ऐसा लगता है कि अपराधी के सामने प्रशासन ही घुटने टेक दी हो। ताज़ा मामला गोराडी थाना क्षेत्र के सोनूडी रामनगर का है। बताते चले कि संतलाल यादव और विपिन यादव ने एक 35 वर्षीय महिला अंजू देवी को लाठी डंडे से मारकर मौत के घाट उतार दिया।
बताते चले कि मृतका अंजू देवी के खेत में संतलाल यादव और विपिन यादव दोनों दबंग युवक भैंस चराने लगे। इसका विरोध करते हुए अंजू देवी ने कहा कि भैंस मेरे खेत गोभी खेत से निकालो। सभी संतलाल यादव और विपिन यादव ने लाठी डंडे से प्रहार कर अंजू देवी को मौत के घाट उतार दिया। बताते चले कि अंजू देवी के पति मजदूरी का काम किया करते हैं और मृतका अंजू देवी को 2 लड़के और 3 लड़की हैं। बच्चे और उसके पति का रो रो कर बुरा हाल है। भागलपुर में गंगा का जलस्तर विकराल रूप लेता जा रहा। प्रशासन की ओर से फिलहाल कोई व्यवस्था नहीं। बाढ़ पीड़ित खतरे को आमंत्रण दे छोटे नाव के सहारे गंगा की तेज धारा में आवागमन कर रहे, कभी भी हो सकती है बड़ी दुर्घटना। भागलपुर में गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, कई गांव जलमग्न हो गए हैं। गांव में बाढ़ का पानी घुस जाने से लोगों में तबाही मची हुई है। लोग सत्तू और मूढ़ी खाकर जिंदा रहने को विवश हैं। वहीं प्रशासनिक उदासीनता खूब देखने को मिल रही है। जिला प्रशासन की ओर से फिलहाल बाढ़ पीड़ितों के लिए किसी भी तरह के इंतजाम नहीं किए गए हैं। यहाँ तक कि सरकारी नाव का इंतजाम भी बाढ़ पीड़ितों के लिए नहीं किया गया है। मजबूरन लोग चदरा शेड का छोटा छोटा नाव बनाकर गंगा के तेज धारा में डगमगाते आवागमन कर रहे हैं। जिले के नाथनगर व सबौर प्रखंड में इस नाव का ज्यादा प्रयोग किया जा रहा है। छोटे बच्चे खतरा मोल ले रहे हैं। ग्रामीणों ने बताया कि नाव नहीं मिला है तो घर या खेत आने जाने के लिए इस नाव का प्रयोग होता है। 3000 की लागत से नाव बनाते हैं। इसमें 4 से 5 लोग एक बार में सवार होते हैं। डर रहता है लेकिन मजबूरी है। जलकर विवाद, पुरानी दुश्मनी और वर्चस्व की लड़ाई में दो पक्षों में चली गोलियां, एक की गई जान। अपराधियों ने अचानक कर दिया हमला, दौड़ाकर मारी गोली। भागलपुर के नवगछिया में जलकर विवाद, वर्चस्व, पुरानी दुश्मनी को लेकर दो पक्षों में चली गोली, एक की मौत दूसरा जख्मी। नारायणपुर प्रखंड के भवानीपुर थाना क्षेत्र के रायपुर पंचायत के टेढ़िया गांव के सामने कोसी बांध पर देर शाम दो पक्षों में कई चक्र गोली चली। बताया जाता है कि घटना की सूचना पर पसराहा बिहपुर भवानीपुर पुलिस पहुंच गई और जांच पड़ताल में जुट गई है। भवानीपुर ओपी अध्यक्ष रमेश कुमार साह ने बताया कि गोलीबारी में हरियो के संदीप सिंह की मौत हो गई है। घटनास्थल को देखकर ऐसा लग रहा था कि संजीव को कोसी बांध पर गोली मारा गया और संजीव बचने के लिए कोसी बांध की उपधारा पार करके मनीजरा खेत में गया, जहां उसे खदेड़कर गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया गया, जिसका शव भवानीपुर पुलिस ने बरामद कर लिया है। जख्मी सहोरी गांव का विक्की सिंह चोरी छुपे इलाज कराने का प्रयास कर रहा था, जिसे झंडापुर और बीपुर पुलिस ने संयुक्त रूप से उसे जख्मी अवस्था में बरामद किया और इलाज के लिए मायगंज रेफर किया। घटना के बारे में बताया जाता है कि दो मोटरसाइकिल पर संजीव सिंह, विक्की सिंह, ध्रुव कुमार और अरुण पासवान सुहार घाट की तरफ से पहाड़ीपुर की ओर आ रहा था। पहले से घात लगाकर बदमाशों ने टेढ़िया गांव के सामने कोसी बांध पर बदमाश बैठे थे, जहां ताबड़तोड़ गोलियां चली। गोलियां दोनों पक्षों से चली है, लेकिन संजीव मौत का शिकार हुआ तो अन्य जख्मी हो गए। इस घटना को लेकर आसपास के लोग सहमे हुए हैं। वहीं पुलिस अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। चिकित्सक की लापरवाही से भागलपुर में लगातार हो रही मौतें, परिजनों ने लगाया किडनी निकालने का आरोप। आरपीएस मेमोरियल सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के डॉक्टरों पर हत्या करने का लगाया आरोप। भागलपुर जिला में लगातार निजी अस्पताल में मरीजों की हत्याएं हो रही हैं। एक तरफ जहां डॉक्टर बीके जायसवाल के यहां निजी अस्पताल में परिजनों का आक्रोश ठंडा भी नहीं हुआ था कि 24 घंटे के अंदर तिलका मांझी में डॉक्टर गौतम कुमार के हॉस्पिटल में हल्ला बोल प्रदर्शन जारी है। वहीं बीते दिनों भागलपुर के ही भीकनपुर में डॉक्टर बीके जायसवाल क्लिनिक पर परिजनों के द्वारा हत्या करने का आरोप लगाया गया था। वहीं दूसरी तरफ तिलका मांझी अवस्थित आरपीएस मेमोरियल सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के डॉक्टर गौतम कुमार के ऊपर भी परिजनों ने गंभीर आरोप लगाते हुए किडनी निकालकर हत्या का आरोप लगाया है। वहीं गोघट्टा का मोहनपुर मथुरापुर के रहने वाले मृत 36 वर्षीय प्रकाश मंडल के परिजनों ने बताया कि उक्त मरीज को कुछ समय पूर्व से पेट में दर्द हो रहा था। वहीं जब गौतम कुमार से इलाज कराने के लिए पिछले 30 अगस्त को दिखाने लाया गया तो डॉक्टर ने बताया कि उनके पेट में स्टोन है। वहीं स्टोन का इलाज लेजर मशीन के द्वारा कर दिया जाएगा, इसमें कट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
इसके लिए मरीजों के परिजन से कुल 48,000 रुपए लगने की बात डॉक्टर ने कही थी। वहीं परिजनों ने कुल रुपए जमा कराकर ऑपरेशन करवाया। वहीं लेजर मशीन से ऑपरेशन नहीं करके डॉक्टर ने सर्जिकल ऑपरेशन किया और मरीज की स्थिति बिगड़ते बिगड़ते उसने दम तोड़ दिया। परिजनों का साफ तौर पर कहना है कि हमारे पेशेंट की किडनी निकाल लिया गया है जिससे उसकी मौत हुई है। जब पेशेंट की मृत्यु हो गई तब उसे रेफर कर ग्लोकल हॉस्पिटल भेज दिया गया, वहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। उनकी पत्नी और परिजनों का कहना है कि हमें इंसाफ चाहिए और वहीं परिजनों का कहना हो रहा है कि डॉक्टर को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। साथ ही साथ परिजन मुआवजे की भी बात करते दिखे। वहीं हम आपको बता दें कि प्रकाश मंडल मछली का व्यवसाय किया करता था। मृतक की शादी 15 वर्ष पूर्व हुई थी। मृतक को 4 बच्ची भी है। वहीं मृतक प्रकाश मंडल की पत्नी अनीता देवी रो रो कर एक ही बात बोल रही थी कि चारों बच्ची का देखभाल अब कैसे होगा। वहीं घर वालों का रो रो कर बुरा हाल है। डॉक्टर के अस्पताल में जब उनके नंबर पर कॉल किया गया तो नंबर स्विच ऑफ बताया गया। साथ ही तिलकामांझी अवस्थित RPS मेमोरियल सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल सुबह से लगातार बंद है। फिर फिसली गोपाल मंडल की जुबान, भागलपुर सांसद के बारे में दिया आपत्तिजनक बयान। भागलपुर के जनता दल यूनाइटेड जदयू के विधायक गोपाल मंडल अक्सर सुर्खियों में बने रहते हैं। कभी अपने डांस से तो कभी अपने बयान को लेकर वे चर्चा में रहते हैं। एक बार फिर वो सुर्खियों में आ गए हैं। इस बार गोपाल मंडल ने भागलपुर सांसद अजय मंडल के खिलाफ आपत्तिजनक बयान दिया है। गोपालपुर से जदयू विधायक गोपाल मंडल ने भागलपुर सांसद अजय मंडल को बुरबक बताया है। लोकसभा चुनाव में उतरने के सवाल पर उन्होंने भागलपुर सांसद अजय मंडल को लेकर इस तरह का विवादित बयान दिया है। मीडिया ने सवाल किया कि आपने ऐलान किया था कि 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में उम्मीदवार के तौर पर अपनी किस्मत आजमाएंगे, जबकि भागलपुर सांसद अजय मंडल क्षेत्र में अपनी पकड़ मजबूत कर रहे हैं। भागलपुर के अनुमंडल परिसर में पत्रकारों के इस सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने भागलपुर सांसद के बारे में आपत्तिजनक बयान दिया। गोपालपुर विधायक गोपाल मंडल ने सांसद अजय मंडल को बुड़बक तक कह दिया। वहीं बाढ़ के सवाल पर कहा कि उनके क्षेत्र में बाढ़ का खतरा नहीं है, बाढ़ की स्थिति जहां पर है वहां राहत सामग्रियों का वितरण किया जाएगा।